दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश में किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप के रिन्यूअल फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट को एरर शो कर रहा है और वो अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पा रहे। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसके बाद आपके रिन्यूअल का स्कॉलरशिप का फॉर्म बड़ी आसानी से भर जाएगा। लेकिन वेट, अगर आपने अभी तक आरडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप का यूजफुल कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपके प्रीवियस ईयर की स्कॉलरशिप सैंक्शन नहीं हुई है तो आप रिन्यूअल का फॉर्म नहीं भर सकते। इसलिए एक बार आप स्टेटस चेक कर लीजिएगा, अगर सैंक्शन हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिन्यूअल का फॉर्म भर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर का रिजल्ट अपडेट होना जरूरी है। प्रीवियस ईयर में अगर आप पास हो गए हैं तो आप नेक्स्ट ईयर का फॉर्म भर सकते हैं, और ये काम आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट का होता है, क्योंकि रिजल्ट अपडेट करने के लिए उनकी अलग से पोर्टल में एक आईडी होती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर की अटेंडेंस लॉक करना। अगर आपकी अटेंडेंस लॉक नहीं होगी तो आप रिन्यूअल का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और ये तीनों पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर इन्हें अपडेट नहीं किया जाएगा तो आपको बार बार एरर शो करेगा और आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके बाद भी दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है रिन्यूअल का फॉर्म भरने में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें आरडी टाइम के साथ। धन्यवाद।